हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास सिक्स का सिविक्स का चैप्टर टू है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसीजर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, क्या पक्षपात, भेदभाव और असमानता। सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट वर्डिंग राइट कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम लोग अब फर्स्ट टॉपिक्स में है प्रीजुडिस यानी कि पक्षपात। प्रीजुडिस मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू फील दैट दे आर इनफीरियर। यानी कि देखिए इसका आसान भाषा में क्या लिखा हुआ पक्षपात का मतलब, यानी कि हम किसी के बारे में उल्टा चीज सोचेंगे यानी कि गंदा चीज या फिर अच्छा चीज, वो भी मेरे बारे में उल्टा चीज सोचेगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल में द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिटी, यानी कि एक लड़का छात्र है जो कि देश शहर में रहता है एज वेल एज विलेज, और एक है जो विलेज में, दोनों आपस में नेगेटिव ओपिनियन है। यानी कि वो भी शहर के बारे में उल्टा चीज सोच रहा है और शहर वाला भी गांव के लिए गांव के बारे में उल्टा चीज सोच रहा है, दोनों एक दूसरे से नेगेटिवली ही सोचेगा, वो होता है पक्षपात। ठीक, उसके बाद सेकेंड टॉपिक में है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। समटाइम्स आवर प्रोसीजर्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर विद सर्टेन पीपल, यानी कि कुछ समय ऐसा होता है कि लोग अपने व्यवहार से पक्षपात करते हैं। जैसे कि देखिए कैसे वी मे बी रूड टू देम, आइसोलेट देम एंड अल्टीमेटली हार्म देम इन सम वे, यानी कि वो अपने कई तरीकों से अपने को शिष्ट तरह से रखेंगे। जैसे कि आइसोलेट यानी कि किसी कोई अगर डोम जा रहा है तो उससे कितना आदमी क्या होता है कि जब देखेगा कि जा रहा है तो वहां से हट जाता है, तो ये खुद को अति पहुंचाता है, सोचता है कि हम कितना अति है, हम कितना ऊंच जाते हैं और ये नीच जाते हैं, कैसे सर जाए, तो कितना भेदभाव उससे करेगा। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा ये होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। फिर बोल रहा है दिस अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर प्रोसीड्यूस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यही जो अभी आप लोग को मैंने एग्जाम्पल के तौर से समझाया उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव कहते हैं। यानी कि एक अमीर का और एक गरीब का, जो गरीब लोग होता है वो अपना साधारण जिंदगी जीता है, लेकिन जो अमीर होता है वो गरीब लोग को बहुत ही तंग करता है। ठीक, ये आ जाता है आप लोग का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, गरीब और अमीर का भेदभाव। उसके बाद थर्ड टॉपिक में है कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रणाली। आवर सोसाइटी स्टिल सफर्स फ्रॉम द इल्स ऑफ नैरो कास्टिज्म, रीजनलिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी ईटीसी, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत सारे कास्ट से मिलकर बना है, तो कोई रहेगा क्या नैरो कास्टिज्म यानी कि कोई अलग जात का रहेगा, तब कोई धार्मिक कोई धर्म के जात का रहेगा जैसे कि कोई पंडित हो गया, ये सब हो गया। फिर जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि जो जेंडर है उसका असमानता होगा, यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा ऊंचा पद में है कौन राजपूत हो गया ये सब, और कोई एकदम नीचा जात में यानी कि डोम चमार, तो ये सब के बीच में हमेशा भेदभाव होते रहेगा। ठीक, तो यही आप लोग कहा जाता है कास्ट सिस्टम में, यानी कि अलग अलग कास्ट सब अपना कास्ट का पढ़ाई करेगा। यही आप लोग का दिया हुआ बुक में हमने पढ़ा था, आप लोग भी अपने बुक को रीडिंग करें। उसके बाद फोर्थ टॉपिक में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि संवैधानिक प्रावधान। इसमें बोल रहा है देयर आर प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के विरुद्ध है क्या संवैधानिक प्रावधान, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है भेदभाव, इनइक्वालिटी मतलब असमानता है, यानी कि बिना किसी से भेदभाव और बिना किसी के असमानता का विरुद्ध है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये हम बताते हैं, तब तक आप लोग इसका एक राइट कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग का है आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सिक्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये गारंटी है हमारे संविधान में
कि भारत में जो नागरिक होते हैं उसे 6 है जो मौलिक रूप से अधिकार मिला है, वो क्या क्या अधिकार है हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए। राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सभी को एक समान अधिकार मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सभी को आजादी है भाषण देने का और जब जो वो भाषण दे रहा है उसको व्यक्त करने का, यानी कि एकदम पूरा उच्चारण के साथ एकदम अच्छी तरह से समझाकर बताने का, सबके पास ये राइट्स है यानी कि अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि सभी को क्या था, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि सभी को एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण, यानी कि किसी का शोषण हो रहा है, किसी को भी शोषण हो रहा है तो उसे खत्म करने का, सबको उसे सजा देने का जो कर रहा है सबके पास अधिकार है। ठीक, उसका बोल रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संविधान, संविधान जो है वो संविधान को उपचार, रेमेडीज मतलब है उपचार, यानी कि संविधान को किस तरह से और अच्छा से और अच्छी तरह से बनाए वो भी सबके पास अधिकार, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसपे और जितना भी अधिकार है होता है वो सब और व्यक्त करने के लिए अच्छी तरह से सबके पास अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म में, धर्म का भी सबके पास पूरी आजादी से एकदम अधिकार है, यानी कि कुछ धर्म हो रहा है धर्म के विरुद्ध जो बोलता है उसको तो खत्म कर दिया जाता है, यानी कि धर्म के विरुद्ध तो कोई आदमी नहीं बोलता है, सब तो धर्म के बारे में बोलता है तो वही उसका भी सबके पास अधिकार है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सभी को सांस्कृतिक और शिक्षा के तौर पर अधिकार है, यानी कि सब पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके सबको पढ़ने का मान्य मिलने का ये सब अधिकार सबके पास रहता है टोटली। उसका फिफ्थ टॉपिक है अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी कास्ट, यानी कि जो हिंदू सोसाइटी है ये बहुत सारे कास्ट में बटा हुआ है, बटा हुआ है। ठीक, कास्ट मतलब जाति, यानी कि जो हिंदू सोसाइटी है ये बहुत सारे जात में बटा हुआ है। पीपुल हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट आर कंसीडर्ड बाय सम एज अनटचेबल, यानी कि वैसे लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो उनसे बहुत उनसे अधिक आदमी सब होता है वो छुआछूत करता है, यानी कि उससे भेदभाव करता है। ठीक, जो लोअर कास्ट रहता सिर्फ उसी से, जो मिडिल कास्ट हो गया, अपर कास्ट हो गया, ये सबसे नहीं, सिर्फ ओनली वो जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है उससे सब दूर ही रहता है। आप लोग का फिफ्थ टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ है, अगर आप लोग को वीडियो और डिटेल में देखना है तो अपना बुक को पढ़े। ठीक, आप लोग इतना राइट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6 पे चलेंगे, तब तक आप लोग राइट कीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग का सिक्स टॉपिक और लास्ट टॉपिक है व्हाट कैन बी डू टू रिमूव अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भेदभाव है यानी कि छुआछूत है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी हैज रिड्यूस्ड बट नॉट रिमूव्ड टोटली, यानी कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो कम मतलब कि वो है जो कम हो सकता है, जो अनटचेबिलिटी है जो ज्यादा होता है उसे हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन टोटली नहीं, तब पर भी हम लोग को क्या करना चाहिए, मूव स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स, यानी कि छुआछूत का आर्थिक रूप से हम लोग कुछ कम कर सकते हैं। क्या, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू मास मीडिया, यानी कि हम लोग मास मीडिया सबके दौरान अनटचेबिलिटी को कम कर सकते हैं, यानी कि छुआछूत को कम कर सकते हैं। सच एज टेलीविजन प्रोग्राम, यानी कि जो टीवी होता है वो सब प्रोग्राम देखते हैं, जैसे कि एक दूसरे से बात इस समय करना है सब अपना टेलीविजन पे प्रोग्राम देखेगा। फिर जर्नल्स हो गया, यानी कि जर्नल्स मतलब कि
जर्नल्स यानी कि पत्रिका, पत्री सब के द्वारा हम लोग अनडक्टिलिटी को कम कर सकते हैं। ये सब आप लोग को और भी डिटेल में है बुक में पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी तरह से है। आप लोग अपने बुक को अच्छी तरह से रीडिंग करें। हमने तो एक बस नोट्स की तरह सब चीज बताए हैं। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे डिटेल में तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत आगे तक काम देगा। अगर अभी आप लोग सिक्स क्लास में है, अगर आप लोग बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये क्लास 9, 10, 8, 7 सब में यही सब चीज पढ़ने के रहेगा। इस सबको छोटी छोटी पॉइंट को आप लोग याद करते रहे, आगे जाके आप लोगों को बहुत ही काम देगा। और बुक भी पढ़ते रह जाए। आप लोग का होमवर्क है डू मेक ऑब्जेक्टिव एंड टिक द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन टू। लेसन टू का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने बुक में टिक लगा लें।